मेस्ट एफ, हम एफ नंबर का करेंगे। अभी हमारा टू डिजिट से करा था हमने मल्टीप्लाई, हमने अभी हमको कितने डिजिट से करना है, थ्री डिजिट से। तो स्टार्ट अरेंज कर ले पहले हम नंबर 3, 7, 6, 9 नंबरों को आप ऐसे डिस्टेंस लेके अरेंज करेंगे, पास पास नहीं लिखेंगे नंबरों को, इस प्रकार से जैसे मैंने लिखा है उस टाइप से आप नंबरों को अरेंज करेंगे स्पेस ले लेके। मल्टीप्लाई साइन 1, 2, 5, 125 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम किसे करेंगे, 5 से। 5 9 जा 45, 5 यहाँ लिखा हमने 4 कैरी, 5 6 जा 30, 30 प्लस 4, 34, 4 कैरी 3, 5 7 जा 35, 5 7 जा 35, 35 प्लस 3, 38, 8 हमने यहाँ लिखा, कैरी कितनी लगाई, 3, 5 3 जा 15, 15 प्लस 3, 18। नंबरों को भी देख, मैंने एक के नीचे एक अरेंज किया है मैंने नंबर। हम 2 से करने के लिए मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, 2 से करें हम, 2 9 जा 18, 18 की 8 कैरी 1, 2 6 जा 12, 12 प्लस 1 13, 12 प्लस 1 13, 13 की 3 कैरी 1, 2 7 जा 14, 14 प्लस 1 15, 15 की 5 कैरी 1, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 6 प्लस 1 7। नेक्स्ट नंबर से करने के लिए हम 1 से करेंगे, उसके लिए हम 2 मल्टीप्लाई साइन लगाएंगे। अब हम 1 से करेंगे, 1 से करेंगे तो हमारा सेम नंबर आएगा, तो हम सेम नंबर ही लिख देते हैं। 1 9 जा 9, 1 6 जा 6, 1 7 जा 7, 1 3 जा 3। हम क्या करेंगे, अब 8 प्लस करेंगे हम, 5 5 4 प्लस 8 4 प्लस 8, 12 12 की 2 कैरी 1। प्लस करने के लिए कैरी तो यही लगाएंगे ना हम, क्योंकि हम यहाँ तो हमने मल्टीप्लाई कर लिया, हम ऐड कर रहे हैं प्लस कर रहे हैं, तो हम इसकी कैरी यही लगाएंगे। 1 प्लस 8 9, 9 प्लस 3 12, 12 प्लस 9, 12 प्लस 9 21, 1 कैरी 2, 2 प्लस 8 10, 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 6 21, 1 कैरी 2, 2 प्लस 1 3, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 7, 3 प्लस 7 10, 10 प्लस 7 17, 17 की 7 कैरी 1, 1 प्लस 3 4। आंसर क्या लिखेंगे हम इसका, 4 7 11 2 5। नेक्स्ट जी एंड एच सेम प्रोसेस से आपको होमवर्क में करना है। ओके okay?